सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है। इसका कारण यह है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम नए डेयरी फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग में हम आपको 15 दिन का कोर्स देते हैं। उसमें हम आपको एक जेन्युइन और रियल गाइडेंस के साथ साथ आपको डेयरी फार्म की मैनेजमेंट सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं मक्की की बिजाई। साइले के लिए आज हम जानेंगे कि मक्की को आपने कैसे तैयार करना है, कैसे आपने उसकी बिजाई करनी है, जिस मक्की का आप अपने फार्म के लिए साइले तैयार करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मक्की की बिजाई करने के लिए सबसे पहले आपने एक लाल या काली मिट्टी वाले खेत का चयन करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो मक्की होती है इसको काली या लाल मिट्टी सूट करती है। इन दो टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हमारी ये जो मक्की है हमें हाईएस्ट पीक देती है अपनी प्रोडक्शन का। तो ज़मीन का चयन कर लेने के बाद बारी आती है अपने खेत को तैयार कर लेने की। दोस्तों, हमारा ये जो खेत है, इस खेत में हमने दो बार डिस्क तवियाँ, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, की हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसको लेवलर किया है। लेवलर कर लेने के बाद हमने इसमें चुंजू हल, यानी कि जो हमारे बड़े वाले हल होते हैं, उसको उसकी मदद से इस ज़मीन को अच्छी तरीके से नरम बनाया है। दोस्तों, जितनी हमारी ये जो ज़मीन है वो नरम होगी, हमारी मक्की की जो प्रोडक्शन है उतनी ही बढ़िया हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, उसके बाद हमने इसको लेज़र लेवलर्स की मदद से हमने इसको लेवल में करना होता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इन खालियों में हमारी जो मक्की की सिंचाई की जाती है। दोस्तों, अगर आपका खेत जो है वो लेवल में नहीं रहता है तो इसमें आपको सिंचाई की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हमारी खेत की खाद की। दोस्तों, हमने इसमें हमारा जो फार्म का वेस्ट होता है डाला है। दोस्तों, अगर आप गोबर को इसमें ऐड करते हैं तो आपकी मक्की की प्रोडक्शन और मक्की की जो उगराई होती है, मक्की का जो बीज होता है, बढ़िया तरीके से उगरता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मक्की के बीज की। हम अपने खेत में पायोनियर कंपनी का 1844 बीज बो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बीज नहीं अवेलेबल हो रहा तो आप पायोनियर कंपनी का ही 3396 आप बीज बो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा तो JK कंपनी ने काफ़ी सारे बीज लॉन्च किए हैं, आप उनमें से कोई भी बीज बो करके अपना जो मक्की है साइले के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मक्की की बिजाई की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मक्की की जो बिजाई है इस मशीन से, जैसे हम न्यूमेटिक प्लांटर या वैक्यूम मशीन बोलते हैं, इससे होनी चाहिए। दोस्तों, इस मशीन की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, बीज की जो गहराई है और बीज का जो आपस का फ़र्क है ये सेम होना चाहिए अगर आप अपने मक्की की बढ़िया प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मशीन से हमारी जो मक्की की प्रोडक्शन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें मक्की के बीज की गहराई की, तो हमारा जो मक्की का बीज है ये 2 इंच गहरा होना चाहिए। भाइयों, अगर आपका जो मक्की का बीज है इससे ज़्यादा गहरा होगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसकी जो सिंचाई है वो इन खालियों की मदद से करनी होती है। दोस्तों, अगर आपका जो मक्की का बीज है ज़्यादा गहरा रहेगा तो आपका जो पौध है वो उगरने में काफ़ी समय ले जाएगा। दोस्तों, हमारी जो मक्की होती है हमने पहले पानी में ही उसको उगराना होता है। भाइयों, अगर बीज ज़्यादा गहरा रहेगा तो ये ज़्यादा समय लगेगा बाहर निकलने में। भाइयों, गर्मी का मौसम ज़्यादा होने के कारण हमारी जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वो सख्त हो जाती है, इससे हमारी जो मक्की है उसको उगरने में काफ़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा ये जो खेत है ये गेहूँ की कटाई के बाद और धान लगाने से पहले का जो फ़र्क होता है 85 से 90 दिनों का, उस बीच हम ये मक्की तैयार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने खेत में एक साल में 3 फसलें उगा लेते हैं। भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं DAP की। दोस्तों, जब हम यह मक्की की बिजाई करते हैं तो 1 एकड़ के 2 DAP के बैग हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा
जैसे जैसे हमारी यह मक्की उगरना शुरू होगी, जैसे जैसे हम इसकी देखभाल करेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।